हेलो एवरीवन, वेलकम टू निकीज टेस्टी फ्लेवर्स। आज हम गुजरात की बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड भूंगरा बटाटा बनाएंगे। इसे लसनिया बटाटा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ इस डिश में हम स्पाइसी और चटपटा आलू को फ्राइम्स के साथ सर्व करेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही यूनिक है और ये बहुत ही जल्दी बन जाने वाली डिश है, और आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए, सबको ये बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए फटाफट से भूंगरा बटाटा बनाते हैं। भूंगरा बटाटा बनाने के लिए हमें इस तरह के येलो वाले जो फ्राइम्स आते हैं वो लेने हैं। इसमें बड़ी साइज़ भी आती है और छोटी साइज़ भी आती है, कोई भी ले सकते हैं। हमें यहाँ फ्राइम्स को डीप फ्राई कर लेना है। ऑयल को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, फुल फ्लेम रखेंगे तो फ्राइम्स जो है वो जल्दी से ब्राउन हो जाएंगे और इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ मैंने बड़े वाले फ्राइम्स को फ्राई कर लिया है, अब हम छोटे वाले फ्राइम्स को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तेल को पहले फुल फ्लेम पर गरम करना है, फिर मीडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राई करेंगे। सारे फ्राइम्स रेडी है, अब हम आलू ले लेंगे। यहाँ मैंने ऑलमोस्ट 1 kg जितने आलू को बॉईल कर लिया है। कुकर में मीडियम फ्लेम पर 3 सीटी लगाई है, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। इसकी स्किन निकाल के फिर इसे इस तरह से कट कर लेना है। अगर आपको छोटे वाले आलू मिलते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, तो फिर उसको कट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद इसमें लहसुन की चटनी ऐड कर देंगे। 3 बड़ी चम्मच लहसुन की चटनी ऐड करेंगे। लहसुन की चटनी का वीडियो ऑलरेडी मेरी चैनल में है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ लहसुन की चटनी जो है वो थोड़ी स्पाइसी लेनी है, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। लहसुन की चटनी को तेल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ हमें गैस को मीडियम ही रखना है, फुल फ्लेम नहीं रखना है। लहसुन की चटनी को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम यहाँ 1/4 कप जितना पानी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ऑयल रिलीज हो तब तक इसे कुक होने देंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहना है, और यहाँ हमें गैस को मीडियम से स्लो ही रखना है, फुल फ्लेम नहीं रखना है। आप देख सकते हैं ऑयल अच्छे से रिलीज हो गया है। अब हम इसमें बॉईल किए हुए आलू ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम यहाँ 1/4 कप जितनी धनिया ऐड कर देंगे और सॉल्ट टेस्ट करके फिर ऐड कर देंगे। अगर ज़रूरत लगे तो ही ऐड करेंगे, क्योंकि आलू बॉईल करते टाइम भी नमक ऐड किया था और लहसुन की चटनी में भी नमक था, तो अगर ज़रूरत लगे तो ही नमक ऐड करेंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए कुक होने देंगे। तो हमारा तीखा और चटपटा आलू रेडी है, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। फ्राइम्स का टेस्ट थोड़ा फीका रहता है, तो उसके साथ ये तीखा और चटपटा आलू बहुत ही अच्छा लगता है। बचपन में हम ये फ्राइम्स उंगलियों में लगाकर खाते थे, और आज इसकी बहुत ही यूनिक और टेस्टी डिश बनाई है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो गुजरात की फेमस स्ट्रीट फूड भूंगरा बटाटा सर्व करने के लिए रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।